नमस्कार साथियों, हंसवाहिनी कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इंग्लिश की क्लास शुरू करते हैं अपनी। इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला ही भाग चल रहा था नाउन पढ़ रहे थे। एक क्लासिफिकेशन हमने पिछली क्लास में किया था, अब दूसरा क्लासिफिकेशन यहां करते हैं। देखो, नाउन का हम यहां नंबर वाला भाग करते हैं, नंबर यानी वचन वाला भाग। तो उसके आधार पर नाउन दो प्रकार के हैं, सिंगुलर और प्लुरल। सिंगुलर और प्लुरल, सिंगुलर में एक व्यक्ति या वस्तु होता है और प्लुरल में एक से अधिक होता है, यानी वन थिंग या फिर मोर देन वन। सिंगुलर के अंदर एक वस्तु को लेते वन, और प्लुरल में मोर देन वन यानी एक से अधिक। देखो, कई बार इसमें जैसे प्लुरल के कई डेफिनेशन देते हैं कि दो या दो से अधिक या मोर देन टू, दो से अधिक, तो देखो वो बिल्कुल भी गलत है। मोर देन वन ही होगा, यानी एक प्लस आधा, जैसे बेड है तो वो भी किसके अंदर आएगा, प्लुरल के अंदर आएगा, तो वो दो से तो कम हो गया। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास एक वस्तु है तो वो सिंगुलर है, और यदि एक से अधिक है वो प्लुरल है। चाहे जैसे एक से एक बटा चार है, या एक से एक बटा दो है, या एक से तीन बटा चार भाग है, तो वो सारे के सारे क्या है, प्लुरल के अंदर है। जैसे मान लो आपके पास बुक है तो बुक सिंगुलर है और बुक्स ये प्लुरल हो गया, यानी ये एक का बोध करा रहा है और ये शब्द दो का, एक से अधिक का बोध कराया जा रहा है। अब देखिए, इसको हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, यानी यहां बुक दे रखा है और यहां पर बुक्स दे रखा है। जैसे मान लो ये पहला वर्ड है आपका और ये दूसरा वर्ड है, ये सिंगुलर के अंदर है और ये बुक्स प्लुरल के अंदर है। द फर्स्ट वर्ड डिनोट्स सिंगुलर नंबर एंड द सेकेंड वर्ड डिनोट्स प्लुरल नंबर। यानी क्या कहा गया है कि द फर्स्ट वर्ड यानी पहला शब्द कौन सा, बुक, जो डिनोट्स होता है इंगित करना, की ओर बताने, इशारा करना, तो इंगित करता है, क्या इंगित करता है, सिंगुलर नंबर यानी एक वचन की ओर इंगित करता है। और द सेकंड वर्ड इंगित बोलो इशारा करना, सेकंड वर्ड यानी दूसरा शब्द कौन सा, बुक्स, ये डिनोट करता है प्लुरल नंबर यानी बहुवचन की ओर इशारा करता है। तो सिंगुलर एक वचन और प्लुरल बहुवचन। अब थोड़ा सा आगे हम और इसे डिफाइन करते हैं, एक वचन बहुवचन, काफी आपने इसका अध्ययन किया है, आज फिर इसका हम अध्ययन करते हैं अपनी इस YouTube क्लास के माध्यम से। नाउन नंबर, ये तो जैसे क्लासिफिकेशन अपने कर लिए, सीधा चलते हैं अपने। देयर आर टू नंबर्स इन
than English language. अंग्रेजी भाषा में दो नंबर है. सिंगुलर नंबर और दूसरा है प्लूरल नंबर. एक वचन और बहुवचन. तो एक में एक वस्तु आती है और बहुवचन में एक से अधिक. तो यह आपको ध्यान में रखना है. यानी नंबर है दो प्रकार का है. कौन कौन सा? सिंगुलर और प्लूरल. अब हम सिंगुलर को और प्लूरल को पढ़ते हैं, इनको डिफाइन करते हैं. बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, वैसे आपको पहले से भी आता है. थोड़ा सा और अध्ययन कर लेते हैं इसका. सिंगुलर नंबर ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए सिंगुलर नंबर. यानी एक संज्ञा जो डिनोट्स यानी इंगित करती है वन पर्सन एक व्यक्ति प्लेस स्थान थिंग वस्तु के बारे में, उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर यानी एक वचन कहते हैं. दूसरा इसका यह भी होता है, जैसे अपने बात सिंगुलर नाउन की कर रहे हैं, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर भी कह सकते हैं. सिंगुलर नंबर, अब यहां पर हम नाउन का कर रहे हैं तो नाउन ही लिख देते. सिंगुलर नाउन मस्ट बी फॉलोड ए सिंगुलर वर्ब. यानी सिंगुलर नाउन मस्ट बी फॉलोड ए सिंगुलर वर्ब. क्या कहा गया इसमें कि सिंगुलर नाउन है वो मस्ट बी फॉलोड, यानी उसका अनुसरण होता है. सिंगुलर वर्ब एक वर्ब यानी एक वचन की वर्ब है वो इसका अनुसरण करती है. कहने का मतलब आप सेंटेंस लिखते हैं, उस सेंटेंस के अंदर आपका जो नाउन सिंगुलर है एक वचन है तो ये मान के चलो उसके बाद आपको वर्ब भी कौन सी लगानी होगी? एक वचन की. देखिए A boy is playing chess. एक लड़का चेस खेल रहा है. तो यहां पर ये boy क्या है? Singular. यानी singular noun है और is क्या है? Singular verb है. यानी ये जो is है वो किसके अनुसार आई है? इस boy के अनुसार आई है. यानी boy singular था तो is आपकी verb भी क्या आ गई? Singular verb हो गई. अब जैसे plural noun होगा, plural number होगा, तो यहां भी प्लूरल होगा, यहां भी प्लूरल होगा. अगर ये नाउन आपका प्लूरल होता है तो वर्ब भी आपकी क्या होनी होगी? प्लूरल ही होगी. तो हम पढ़ते देखो सिंगुलर में क्या लिखा आपने. सिंगुलर नंबर की ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए सिंगुलर नंबर. की एक संज्ञा जो इशारा करती है या इंगित करती है किसकी ओर? एक व्यक्ति स्थान या वस्तु की ओर, उसे क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर कहते हैं. और दूसरा इसमें क्या कहा गया है कि सिंगुलर नाउन मस्ट बी फॉलोड ए सिंगुलर वर्ब. यानी सिंगुलर नाउन है उसके बाद सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है. अब अपने पढ़ते हैं प्लूरल नाउन को.
प्लूरल नाउन या प्लूरल नंबर कर लेते हैं, नंबर हम या नाउन के रूप में ये पढ़ रहे हैं क्योंकि नंबर तो प्रोनाउन में भी हो सकते हैं, नंबर वर्ब में भी हो सकते हैं कि ये सिंगुलर वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है, ये सिंगुलर प्रोनाउन है, ये प्लूरल, जैसे ही है तो सिंगुलर है और दे है तो प्लूरल है, हम यहां नाउन पढ़ रहे हैं। ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन प्लेस थिंग इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। और दूसरा देखो इसमें ये क्या है कि एक संज्ञा जो इशारा करती है किसकी ओर, मोर देन वन पर्सन यानी एक से अधिक व्यक्तियों की ओर, वस्तुओं की ओर, स्थानों की ओर, तो वो आपका क्या है, प्लूरल नंबर है या प्लूरल नाउन है। और दूसरा उसमें आपने पढ़ा था कि वर्ब सिंगुलर आ रही तो इसमें क्या आएगी, वर्ब प्लूरल आएगी, तो ये ध्यान में रखना है आपको, प्लूरल नाउन मस्ट बी थ्रॉट ए प्लूरल वर्ब। तो इसका क्या मतलब हुआ, ऊपर वाली पंक्ति तो यह कह रही है कि वह संज्ञा जो एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को बताती है तो वो आपकी प्लूरल है यानी बहुवचन संज्ञा है। और नीचे इसमें यह कहा गया कि प्लूरल नाउन मस्ट बी फॉलोड बाय ए प्लूरल वर्ब, यानी जो बहुवचन है उसके साथ वर्ब भी बहुवचन की, यानी बहुवचन सब्जेक्ट है, चाहे वो प्रोनाउन हो सकता है आपका, चाहे वो नाउन हो सकता है, उसके साथ जो वर्ब आने वाली है वो भी प्लूरल की ही आएगी। देखिए एग्जांपल, दे आर प्लेइंग चेस, ये आपकी वर्ब है और ये आपका, सॉरी यहां पर अपने प्रोनाउन लिख लिया, प्रोनाउन में लिख के अपने यहां पर नाउन ही लिखते हैं, द बॉयज, तो ये बॉयज क्या है, प्लूरल नाउन है और इसके बाद प्लूरल वर्ब है, तो यानी आर प्लूरल वर्ब है और बॉयज प्लूरल नाउन है, तो क्या कहा गया कि प्लूरल नाउन। अब चाहे यहां पर दे है, अगर दे भी लिखा हुआ है तो ये भी प्लूरल प्रोनाउन है और ये प्लूरल नाउन है, तो इनके बाद जो वर्ब आनी है वो क्या आनी है, प्लूरल वर्ब है, जैसे पहले में हमने इज लिखा था पिछले वाक्य में क्योंकि वो सिंगुलर नाउन था तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब थी और ये प्लूरल नाउन है इसलिए प्लूरल वर्ब है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं कि जब हम सिंगुलर और प्लूरल की बात है तो वहां सिंगुलर से प्लूरल कैसे होता है, तो हम फॉर्मेशन पर चलते हैं, इस संरचना पर चलते हैं कि किस प्रकार से हम एक वचन को बहुवचन में बदले या फिर बहुवचन को एक वचन के अंदर बदले। तो कुछ रूल्स के आधार पर हम पढ़ते हैं, आपने भी पीछे अध्ययन किया है नंबर का तो आपने ही कुछ रूल पढ़े होंगे, तो हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं और सिंगुलर को प्लूरल के अंदर बदलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नंबर, या ये कह सकते हैं चेंज सिंगुलर इनटू प्लूरल, यानी सिंगुलर को प्लूरल में बदलना। तो फॉर्मेशन यानी हमें संरचना करनी है, तो इसके लिए हम कुछ रूल को फॉलो करते हैं।
जैसे रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, हमारे पास कोई भी वर्ड होता है, कोई भी नाउन है, कोई भी नाउन है, सामान्यतः उस नाउन के साथ हम एस लगा देते हैं। ये हमारे पास पहले से क्या है, सिंगुलर नाउन है। यानी ये मान के चलो आपके पास सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, और आप उसमें एस लगा देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, प्लुरल नाउन तैयार हो जाता है। तो ये आपके ध्यान में ही है। जैसे बॉय शब्द है तो बॉय के आप क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। गर्ल है तो गर्ल के भी आप एस लगा देते हैं। जैसे बॉय एक है लड़का और बॉयज एक से अधिक लड़के हैं, गर्ल एक लड़की और गर्ल्स एक से अधिक। कोई भी हो जैसे वस्तु भी आपके पास बुक, तो आपने बुक और इसे प्लुरल में बदलेंगे तो क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, तो बुक्स हो गया, वस्तु आ गई। जैसे स्थान है, स्थान है स्कूल है, स्कूल्स यानी विद्यालय और विद्यालय, ये एक वचन और बहुवचन हो गया। तो इस प्रकार से हम पहले रूल के अनुकूल अपने चेंज करते हैं सिंगुलर को प्लुरल में। उसके बाद एक दूसरा रूल देखते हैं, उसमें आपको पता ही है कि जिन वर्ब के अंत में एस है, डबल एस है, सी एच है, पी एच है, जेड है, ओ है, ऐसा लगाया होता है, ऐसा लगा होता है वर्ब के अंत में, यानी एंडिंग जो लेटर्स होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, एस न लगा के क्या लगा देते हैं, ई एस लगा देते हैं। जैसे मान लो वर्ब का एंडिंग, वर्ब एंडिंग मान लो एंडिंग लेटर्स, वर्ब एंडिंग लेटर्स जिसमें मान लो आपके एस है, पी एच है, सी एच है और जेड है, ओ है, जो आदि काफी अक्षर है, तो इनमें हम क्या करते हैं, इनके साथ में ई एस लगा देते हैं, और ई एस लगा देंगे तो हमारा प्लुरल तैयार हो जाएगा। तो देखिए जैसे अपने पास कई शब्द है, जैसे क्लास शब्द है, कक्षा, तो इसका प्लुरल बनाना है तो ई एस लगा दो इसमें, क्लासेज, डबल एस था इसके अंदर, सी एच वाला देख लो, एक बेंच ई एस लगा लो, बेंचेज, यानी यहां एक बेंच और यहां एक से अधिक बेंच है। तो इस प्रकार से हाँ, ये भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, सी एच वाला, सी एच यहां सॉफ्ट है, सी एच यहां क्या है, सॉफ्ट है। अब एक सॉफ्ट और हार्ड का आपको मैं बताता हूं थोड़ा सा, यानी हम सी एच देखो, इसमें सी एच के साथ आपने क्या लगाया है, ई एस लगाया है, अपने रूल नंबर दो कर लिया, जिससे कोई वैसे रूल नहीं है, आप अपनी मर्जी से रूल बना रहे हैं, इस आधार पर आप चेंज करते हैं। नीचे वाले को हम यही रहने देते हैं, अब देखो इसमें क्या था, सी एच, ये एग्जाम्पल भी है बैंच, और इसमें आपने क्या लगा दिया, ई एस लगा दिया, तो ये जो सी एच है वो क्या है, आपका सॉफ्ट है, क्या है, सॉफ्ट है सी एच। अब ये सॉफ्ट वाला क्या मानता, एक हार्ड होगा, ये सॉफ्ट और एक होगा हार्ड होगा, तो देखो अगर ये सी एच हार्ड है तो इसके साथ केवल क्या लगेगा, एस लगेगा, हार्ड है तो एस लगेगा। अब हार्ड का पता कैसे चलता है, कि सी एच का उच्चारण च है जब तो सॉफ्ट है, और इस सी एच का उच्चारण क्या हो, कै हो, उच्चारण क्या हो, कै हो, तब ये क्या है, हार्ड है। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपने, स्टोमक, देखो बेंच, ब्रांच, चय आ रहा है, सी एच चय उच्चारण हो रहा है, और यहां स्टोमक कै उच्चारण हो रहा है। जैसे ये है, ये मोनार्क, यानी ये भी कै उच्चारण हो रहा है और ये भी कै उच्चारण हो रहा है, तो ये क्या, हार्ड है। तो इनमें आप केवल एस लगाओगे, ई एस नहीं लगाओगे, कोई दो चार ही एग्जांपल होते हैं।
एज स्टोमक्स, मोनार्क्स। तो ये आपका क्या हो गया, हार्ड है सी एच और ये सॉफ्ट है, यानी सॉफ्ट वो जिसका च सी एच को हम चाह बोलते हैं, परंतु जब कह हो जाता है तो वो आपका हार्ड हो जाता है, उसमें आपका ऐसे लगने वाला है। अब देखो एक रूल नंबर चार जो दो से ही निकलता है, इसमें आपने कहा कि ओ के बाद ई एस आता है, बिल्कुल जैसे आप इस दो नंबर रूल के अंदर देखो ओ वाला कोई एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप देखते हो मैंगो, ये दो नंबर रूल में मैंगो, और आप क्या करते हो मैंगो के साथ ई एस लगा देते हो मैंगोज, मैंगो के साथ ई एस आप लगा देते हैं तो मैंगोज, तो यानी ओ के बाद ई एस लग रहा है, परंतु ओ के बाद एस भी लगता है, ओ के बाद एस लगता है तो इसके कई एग्जाम्पल है। अब वैसे तो इसका कोई रूल तो नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूं कि ओ लगता है, ओ के बाद ई एस लगता है, ये तो है नेचुरल चीजें, नेचुरल नाउन है। देखो लगभग 99% मैंने एग्जाम्पल देखे हैं कि जो नेचुरल है, प्राकृतिक है, जिसे प्रकृति ने बनाया है, तो उनमें तो क्या लगता है ई एस लगता है, और मेन मेन यानी मानव ने बनाया है उसमें एस लगता है, यानी जिस वाक्य सॉरी जिस शब्द के अंत में ओ हो और वो शब्द यानी वो चीज वो नाउन जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है तब तो आप ई एस लगा दो, और मेन मेन बनाया है उसमें एस लगा दो। जैसे एग्जाम्पल है आपका किलो, तो इसे आप एस लगा दो किलोज, जैसे फोटो शब्द है तो इसमें भी आप एस लगा दो फोटोज। यहां पर आप केवल एस लगा रहे हैं, और आपने दो नंबर रूल में ये पढ़ा था कि ओ के बाद ई एस आता है, तो लगभग ऐसा है 99% है कि अगर आपका ओ या ओ से अंतिम अक्षर यानी एंडिंग अक्षर क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए, और यदि वो ओ नेचुरल है तो उसमें आप ई एस लगाइए, और यदि वो ओ मेन मेड है, मेन मेड मतलब ओ मेन मेड, मेन मेड नहीं है, ओ से बनने वाली जो नाउन है, देखो फोटो ये एक व्यक्ति बनाता है ओ है तो आपने एस लगा दिया, मैंगो इसमें भी ओ है, ये प्रकृति बनाती है, आम प्रकृति बनाती है, आप नहीं बना सकते, मैं नहीं बना सकता आम, आम कौन बनाते हैं, हाँ हम आम की चटनी बना सकते हैं, परंतु अचार भी बना सकते हैं, सब्जी भी बना सकते हैं, परंतु आम नहीं बना सकते, इसलिए प्रकृति वाले हैं और प्रकृति वालों में ईएस लगेगा, ऐसा 99% मैंने वर्ड्स देखे हैं। तो चार रूल्स कर लिए, अब चलते अगले रूल पर, पांचवें पर। अब देखो हमने एक नंबर रूल में पढ़ा कि अधिकांश शब्दों के साथ ऐसा आता है, अधिकांश शब्दों के साथ जनरली आता है ऐसा, ऐसा आने से पलरुल तैयार हो जाता है। देखो वाई, पहले हमने वाई के साथ एस लगाया, शायद पहले रूल में एक एग्जांपल पढ़ा था आपने, परंतु यहां पर वाई के साथ एस नहीं वाला, यहां पर वाई को आप हटाएंगे और उसके स्थान पर आईईएस लगाएंगे, क्यों, इससे पहले आएगा कॉन्सोनेंट, क्या आएगा कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। अब जैसे इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं, 26 है, 26 लेटर्स किसमें हैं इंग्लिश के अंदर, इन 26 में से पांच क्या वोवल है, स्वर है, कौन कौन से, ए ई आई ओ और यू। यदि आपकी वाई से पहले वोवल है, क्या है वोवल, तब तो ऐसा लगेगा, ये अपने पहले रूल में पढ़ लिया है, वाई के नाम से नहीं पढ़ा, जनरली आपने पढ़ा है, परंतु वाई से पहले क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए, वाई से पहले क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट, यानी ये हमारे रूल के अंदर नहीं है, ये हमने पढ़ लिया है जनरली शब्द के अंदर, पहले रूल के अंदर है कि वाई वाले के साथ एस लगाते, परंतु कोई भी कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन लेटर आ जाए प्लस में वाई है तो
तो आप क्या करते हैं, वाई को हटाते हैं और उसके स्थान पर क्या कर देते हैं आई एस, तो आपकी पलूरल फॉर्म तैयार हो जाती है। तो देखिए जैसे मान लो आपके पास है स्टोरी, स्टोरी, अब इसमें आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो आप प्लूरल बनाओगे तो देखो वाई को हटा दो और आई ई एस, ये प्लूरल बन गया। अब देखो एक और है ऐसा स्टोरी जैसा ही शब्द है, यानी ये कहानी है, ये स्टोरी, ये क्या मंजिल है, तो इसमें देखो सवर है, सवर है तो यहां केवल ऐसे लगने वाला है, यहां केवल ऐसे लगेगा और यहां आईएस लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि इस वाई से पहले कॉन्सोनेंट है और इस वाई से पहले वॉवल है, यानी ये व्यंजन है और ये सवर है। अगर व्यंजन होता है तो आप वाई को हटाकर आईएस लगाते हैं और सवर होता है तो सीधा एस लगाते हैं। तो हम रूल के अनुसार ये पढ़ रहे हैं, तो इसके और भी जैसे एग्जाम्पल है, बेबी बच्चा होता है, आप वाई को हटाइए और ईएस लगा दीजिए इस प्रकार से, तो वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो आप वाई को हटाकर उसके स्थान पर आईएस लगाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, देखो हमारे पास शब्द के अंत में एफ या एफ ई होता है तो हम एफ या एफ ई को हटा देते हैं और इसके स्थान पर क्या लगा देते हैं, वी ई एस लगा देते हैं। ये 10-12 शब्द है, जैसे नेक्स्ट क्लास में अपने एक लिस्ट से जिसमें मेरे एग्जाम्पल चूज किए हुए हैं उसके आधार पर आपको पढ़ा दिया जाएगा कितने एग्जाम्पल है, थोड़ा आपको मैं समझाता हूं। जैसे मान लो आपके पास है वाइफ शब्द, सिंगुलर है, एकवचन है, आप इसका प्लूरल बनाओगे तो आपको क्या हटाना है, एफ ई हटाना है, तो बच क्या गया डब्ल्यू आई, एफ ई को तो हटा देना है और इसके स्थान पर क्या आ जाएगा वी एस, वेस, यानी ये हो गया वाइफ और ये विवेस, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। और भी जैसे ये नाइफ है, एफ ई को हटाना है आपको और वीएस जोड़ दो, भी देखो कैन आई तो लिख दिया आपने, एफ ई हटाना है और वीएस, तो आपका इसमें भी वीएस है और ईएस प्लूरल बना रहा है, ये तो एफ ई वाले हो गए। अब जैसे अपने बात करते हैं, एक इसमें भी जरूरी नहीं कि एफ या एफ ई वालों के साथ वी एस आता है, ये गिने चुने शब्द है, गिने चुने शब्द है जिनके साथ एफ या एफ में वी एस आता है। अब इसमें जितने हम शब्द पढ़ेंगे इसके अलावा जो भी शब्द है वो अन्य में आएंगे, जैसे एफ ई वाला कर दिया, एक एफ वाला कर लेते हैं अपने टिप, यानी ये तो एफ ई वाले हैं और ये एक एफ वाला कर लेते, तो इसका जैसे प्लूरल बनेगा तो टी एच आई ई तक रह जाएगा, एफ को हमें हटाना है, एफ का क्या बन जाएगा वी एस, तो इस प्रकार से क्यूएस, यानी ये प्लूरल हो गया आपका, तो वी एस लगाने से आपके प्लूरल तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे 13-14 वर्ड्स ही है, नाउन है, जिनको सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो एफ या एफ ई को हटाकर वी एस लगा देंगे, ये नेक्स्ट क्लास में जो वीडियो होगा उसमें लिस्ट के अनुसार आपको बता दिया जाएगा। अब देखो अभी हम बीच में बात कर रहे थे कि एफ या एफ ई से तो पूरा नहीं होता कि एफ या एफ ई के 12-13 ही शब्द है जिनमें आप वी एस लगाते हैं, अन्यथा आप एस ही लगाते हैं, यानी इसके अलावा जितने शब्द है उनमें आप क्या लगाते हैं, केवल एस लगाते हैं। जैसे 6 नंबर रूल है, 7 नंबर, यानी एफ या एफ ई होता है उसके साथ आपका क्या लगना है, एस लगना है और फॉर्म तैयार हो जानी है प्लूरल सारे, यानी ये तो गिने चुने 12-13 शब्द है और सारों के साथ एस ही लगने वाला है। अब जैसे मान लो आपका शब्द है प्रूफ, तो इसमें एफ के साथ एस लगना है, प्रूफ्स,
जैसे रूफ छत, तो इसमें भी ऐसे ही लगना होता है। तो देखो एप होने के बावजूद भी, यानी एप है लेकिन एस लगा रहे हैं, ये तो गिने चुने 13 शब्द है 6 नंबर रूल वाले, बाकी तो आप एस ही वगैरह लगाते हैं। अब देखो इसके बाद हम एक अगला रूल और पढ़ लेते हैं। देखो इंटरनल वॉल चेंज करते हैं अपने, या जैसे मान लो चेंजिंग इन इंटरनल वॉल, जो इंटरनल वॉल है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो हमारा प्लूरल बनके तैयार होता है। तो जैसे आपके पास शब्द है मैन, ये सिंगुलर है, इंटरनल वॉल क्या है ए है, तो यहां पर आप ई लगा देते हैं तो ये आपका प्लूरल बन गया, यानी मैन ये सिंगुलर है और ये प्लूरल बन के तैयार हो गया। उसी प्रकार जैसे ये है वुमन, ये क्या आपका सिंगुलर है और इसमें ए को हटा दीजिए और यहां ई लगा दीजिए, ये स्वर चेंज कर दीजिए, तो यहां पर क्या हो गया, ये विमिन हो गया, तो ये सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल हो गया। उसी प्रकार जैसे फुट शब्द है, तो आप डबल ओ को हटा दीजिए और डबल ई कर दीजिए फिट, ये एक पांव है और ये एक से अधिक पांव है। जैसे माउस चूहा, और यहां पर इससे बदलते अपने माइस में एम आई सी, तो ये आपका यानी सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है। तो आज की क्लास में इतना ही।